चौक वाले जो है ना वो इंसानी सीसीटीवी है, इनका काम ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैंने देखा है मार्केट में आजकल गाड़ी वाले वीडियो की कमी हो गई है, तो मैंने सोचा ये मार्केट की जो डिमांड है इसको पूरा करा जाए, इसलिए आज का वीडियो बन रहा है अपना गाड़ी से। और एक और चीज मैंने नोटिस करी है यार कि ये मैंने बहुत नाटक कर लिया है ना कि बस गाइस, अब मैं जा ही रहा हूँ इक्विपमेंट लेने, बस मैं कर ही रहा हूँ व्लॉग के लिए, ये मैं कुछ ज्यादा सुस्ती फैला रहा था, बदतमीजी पे आ गया था मैं। तो आज मैं एक्चुअली निकल रहा हूँ, गाड़ी वाला वीडियो नहीं है, मैं गाड़ी में बैठ के सामान लेने जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सामान लेंगे गाड़ी में, माउंट वाउंट कराएंगे यहाँ पे, एक अपना ये देखिए, ये रे अपने भगवान जी, इनके साइड में कहीं एक वो माउंट करा देंगे कैमरा वाला स्टैंड। एक मेरे को वो चाहिए जो जीपीएस पे लगता है और कैमरे पे भी काम आ जाता है वो। और क्या लाना है, मैं तो दो तीन चीजें लिखी थी, भूल गया क्या? अच्छा, फोन में लिखी है, तो फोन से तो वीडियो बन रहा है ना, तो थोड़ा बेसिकली क्वालिटी इंप्रूव करने का माल लाना है तो लाएंगे। और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी कि मैं हर बार वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ। तो तुम लोग मेरे 1 लाख तो करा नहीं रहे हो, तो मेरे को बीच बीच में वैसे बोलना पड़ेगा, ठीक है? चुपचाप तसल्ली से देखो, बटन दिख रहा है, यही दिख रहा है नीचे, मुझे पता कहीं तो नीचे दिखता है ऐसे, दबा दो और फिर बेल आइकन वाला भी कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस ठीक है, चलते आगे, ठीक है, सामान लेके आते हैं और बताएंगे कितने का सामान आया, क्या आया अपनी ब्लॉगिंग के लिए, एंड होपफुली वील बी लिटिल रेगुलर नाउ। आई होप भाई, माँ का मैंने पिछला वीडियो रिकॉर्ड करा और देखा तो यार डबल चिन आ गया यार, दाढ़ी में ही ठीक था यार। चलो फिर डिकैथलॉन का भी एक चक्कर मार ही लेंगे। डिकैथलॉन का चक्कर ऐसे ही लगता है, जब जब लगता है ना कि मोटे हो रहे हो, सीधा डिकैथलॉन, क्योंकि नया सामान आता है, मोटिवेशन आता है ना साथ में। जैसे जब जब नई नई शुरुआत करी थी ब्लॉगिंग की, सब कुछ नया नया था तो खूब करता था जोश में, फिर थोड़ा सुस्ती पड़ी, अब नया सामान लाऊंगा तो वो लगाऊंगा और फिर मोटिवेट हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ नई चीजें करती रहनी पड़ेगी बेसिकली मुझे। मैं मिलूं नितेश भाई से बड़े दिनों बाद, तो हम बात कर रहे थे यार अभी ये ब्लॉगिंग वगैरह की, क्या करना है, किस तरीके से अपना करियर आगे बढ़ाना है, क्योंकि नितेश भाई थे ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के बादशाह और अभी ये बन गया 1 मिनट। अरे भैया क्या करना है, इनको सब्सक्राइबर दिखा दे कुत्तों को, ये फिर भी डांट के चलेंगे। अरे सेकंड बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ जमनापार विद 48k सब्सक्राइबर्स आफ्टर ढिंचक पूजा। दैट्स ऑलराइट, दैट्स ओके, बिकॉज़ समटाइम्स इन लाइफ यू आर गोना स्टार्ट स्लो। ब्लॉग वाले जो है ना वो इंसानी सीसीटीवी है, सीसीटीवी का इंसानी वर्जन होता है ब्लॉग वाले। इनका काम ही होता है। तेरे अभी ऑफिस जाएंगे वो माइक्रोमैक्स टीवी के लेने फुटेज। भाई मेरे भी जैसे पेशेंट आते हैं माइक्रोमैक्स टीवी दिखाऊंगा उनको, क्या ओलेड टीवी दिखाऊंगा? नहीं, मैं बताऊंगा ना कि तेरा कमाई का धंधा कॉमेडी है, फिर तेरा डेंटल का क्लिनिक है, फिर तेरे 2 प्लॉट है जिनके वो किराए आते हैं, तब भी माइक्रोमैक्स टीवी लगा के रखता है ताकि टैक्स वाले आती सोच ले गरीबी है। श्रेय में क्लिनिक आया था ना अपने, तो ये नितेश भाई से मिलने आया था, गौरव तो फिर मेरे से मिलने आ गए इस क्लिनिक पे। वो ऑर्डर कर दिया सोफा? हाँ कर दिया। ये बीवी का फोन आते ही रहते हमेशा। हाँ क्या फोन आते हैं? फोन तो आए ना, फोन नहीं आया क्या? फोन नहीं आएगा तो परेशानी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी आ जाना। जल्दी तो गया, 1.5 घंटा तो लगता ही है, आधे पौने घंटे निकलूंगा। हाँ 2 घंटे में आ रहा हूँ, 10 बजे आ जाऊंगा। हाय गाइस, व्हाट्सअप। तो जैसे कि मैंने बताया था कल मैं थोड़ा सा इक्विपमेंट लेने जा रहा हूँ, तो मैं 3 चीजें लाया हूँ। पहला तो एक स्टैंड लाया हूँ जो कि जिसके ऊपर ये फोन लगा हुआ है इस टाइम। दूसरा मैं गाड़ी में माउंट करने का कैमरा या फिर फोन, बेसिकली फोन माउंट करने का स्टैंड लिया है। तो उसके अलावा एक ये मस्त जो चीज लाया हूँ वो है माइक, ये वाला, ये सेनाइजर का माइक है कोई, तो मेमोरी माइक। और ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मेरे दोस्त जो कल मैं नितेश भाई से मिला था, वो भी वीडियो बनाते हैं अपने जुगनी ट्रैवल नाम के चैनल पे, तो उससे वही खरीद के लाए थे, उनको किसी फ्रेंड ने एक्चुअली गिफ्ट करा था, अगर बढ़िया लगेगा तो यूज करेंगे। तो मैंने चेक करा वैसे मार्केट में, इसका दाम कुछ तो 17-18 हजार रुपए ऐसे एमआरपी है, पर बेस्ट प्राइस में 13-14 हजार रुपए मिल जाता है ये। तो बेसिकली क्या है, ये ब्लूटूथ माइक है, इसको मैं हमेशा वीडियो बनाते टाइम यहाँ पे लगा लूंगा और उसके बाद इसमें मस्त साउंड, इसका जो ऐप है फोन में ही आ जाती है तो उससे यूज करते हैं। तो अभी जो करेंटली आप साउंड सुन रहे हो वो फोन की है, अभी इसको लगा के चेक करते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट है, तुम फोन से कितनी मर्जी दूर चले आओ, इसका ब्लूटूथ का रेंज बहुत तगड़ा है। ये कनेक्ट करने में मेरे को 15 मिनट लग गए, डिवाइस की गलती नहीं, मैं ही गधा हूँ। तो इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसमें एक मैग्नेटिक सी स्ट्रिप है, इसको आप यहाँ पे लगा लो और उसके बाद ये मस्त चलता रहता है। अब मैं आपको दोनों साउंड दिखाऊंगा, ठीक है? देखो यहाँ पे बैठ के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर फोन की आवाज भी प्रॉपर आती है, इफ यू आर नियर टू द फोन, राइट? बट व्हेन यू मूव अवे, व्हेन यू वांट टू गो फार, और तब आप लोग डांटते हो कि साउंड कितना घटिया क्यों है। तो अब मैं दिखाता हूँ इसका साउंड का मस्त मजा। इवन इफ आई टॉक फ्रॉम हेयर, दिस इज दैट साउंड दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू दिस माइक, एंड दैट इज व्हाई इट इज दिस मच क्लियर, एंड दिस इज द साउंड दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू फोन। तो इसमें बेसिकली दोनों साउंड आ जाता है, माइक का भी साउंड आ जाता है, फोन का भी साउंड आ जाता है, हम जो मर्जी चाहे वो यूज कर सकते हैं, दोनों को मिक्स एंड मैच करके भी यूज कर सकते हैं। तो अभी जो साउंड आप सुन रहे हो ये माइक का साउंड है, जितना मर्जी मैं घूम फिर लूँ, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड एडिशन टू माई इक्विपमेंट्स, क्योंकि ये शो में भी काम आ जाएगा
जब तक नितेश भाई वापस नहीं मांगते तब तक हम यही यूज करेंगे। अब इसके अलावा आज मैं एक जगह जा रहा हूँ तो आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ पे, और एक मस्त ही नई अनाउंसमेंट है वो देखना जरूर, ठीक है? थैंक यू भाई। ये है दिल्ली के ऑर्गेनाइजर किशोर ध्यानी, इनको हम कर रहे हैं ब्लॉग में कैप्चर। आज हम आए अक्षर थिएटर जो कि 6 महीने से बंद पड़ा है और स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, उम्मीद है स्टार्ट हो जाएगा। गाइज जस्ट सी द चेयर्स, अभिषेक आप ही हो, अविनाश अविनाश ही बैठा और कुर्सी घुस गई। तो ऑडियंस दिस इज द न्यू एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट इन द स्टैंड अप शोज, ब्यूटीफुल चेयर्स। इस दीवार के ऊपर एक साउंड लग जाएगा, इस दीवार पे साउंड आ जाएगा ना, और उस दीवार के ऊपर एक साउंड लग जाएगा और एक मॉनिटर स्टेज पे आ जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर डे ऑफ आवर ब्लॉग। आज हम आए हैं अक्षरा थिएटर जो कि काफी तगड़ा वेन्यू है दिल्ली में कॉमेडी का और थिएटर का और कोई भी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है उसके लिए काफी पुराना वेन्यू है। और इनके 2-3 वेन्यू, आगे सेंट्रल क्लब ऑफ कॉमेडी है वो भी यहीं पे चलता है, वो पहले अक्षरा था फिर दयानी भाई ने टेक ओवर कर लिया पैसे पैसे खिला के। तो हम यहाँ आए, अब प्लान है कि ये ओपन एम्फी थिएटर में शो करेंगे। ये बेसिकली वेन्यू जो है 200-250 सीटर है, 320 सीटर, बट विल बी डूइंग 100 सीटर शो ओवर हियर। ये स्टेज रहेगा थोड़ा दूर ताकि मेरा थूक जाए ना किसी के मुंह में, मतलब पूरे चोंचले कर देंगे पर शो शुरू कर देंगे कुछ ना कुछ करके फुल डिस्टेंसिंग के साथ। देखते हैं कैसे, अब तो ऐसे ही देखना पड़ेगा भाई, अगले कुछ दिन तो यही माहौल है तो मौसम भी बेटर है तो होपफुली। बस एक है, मैंने दयानी भाई से पूछा यहाँ ऊपर देखो कितना बड़ा पेड़ दिखाना दयानी भाई ऊपर, बस मेरे को ये डर है कॉमेडी देखते हुए ऑडियंस के सर पे कबूतर टट्टी ना कर दे, एक मेजर चीज है। पर अविनाश भाई बोल रहे हैं कि वो नहीं होगा, रात को नहीं करते उनके हिसाब से कबूतर रात को टट्टी नहीं करते, आई डोंट नो उनका हाजमा नहीं रहता रात को। अच्छा एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आपको अभी तक नहीं दिखाई है, ये है अक्षरा थिएटर, ये है दीवार, और दीवार के उस साइड जो आप देख रहे हो ना बड़ी सी बिल्डिंग, वो है दिल्ली का पहला कोविड हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया। लेट्स सी वेदर पीपल कम और नॉट। और मैं इसका ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं डेली वो के जो भी बंदे ब्लॉग देख रहे हैं टिकट लेके शो देखने आ जाओ, प्रॉपर हम प्रॉपर हाइजीन वाइजीन मेंटेन करके करेंगे थोड़ा ज्यादा। हमें शो से पैसा नहीं कमाना, हमें बस अभी शुरू करना है स्टैंड अप कुछ ना कुछ करके, नहीं यानी भाई तो लेट अस होप इसका झाड़ू पोछा मारने का काम भी हम खुद ही कर लेंगे। कॉमेडी क्लब की फील दोस्तों, इतने दिनों बाद क्लब पे, इतने दिनों बाद जाके चलना चाहिए। So she is Anusya ma'am and she is the owner of this campus, the whole Akshara Theatre campus. और इनके बिना ये हमारा comedy club भी possible नहीं होता। Club में welcome करते हुए हमारे फाजिल दोस्त, आप आई है इस बगिया में, आप आई है इस बगिया में, फूल खुले हैं गुल। बस बंद कर भाई। देखो Zoom show बहुत अच्छी चीज़ है, उससे तुम US के show कर लो, हर जगह international show कर लो, पर ये जहाँ असली इंसान होता है ना, असली इंसान जिससे तुम्हें पता लड़ाई भी हो सकती है, जो तुम्हें उठा के पीट भी सकता है अगर तुमने गंदा बोल दिया, वो डर वाली फीलिंग उधर है ही नहीं। उधर क्या है, मेरा शो खराब गया मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, इधर शो खराब गया इनकी आंखों के सामने से वहां तक निकलना पड़ता है और ये फिर बाहर दिखते हैं। फिर उसके बाद अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे थे, अगर कोई बंदा आ जाए वहां पे, ये देखो गंदा शो करके आया ऊपर से आराम था खाना खा रहा है अच्छा। सो विल बी स्टार्टिंग द शोज वेरी सून, विल अपडेट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर एल्स। प्लीज फॉलो सेंट्रल क्लब ऑफ कॉमेडी ऑल्सो, क्योंकि इनके बहुत सारे ओपन माइक्स वगैरह होने वाले हैं एंड वील एंश्योर एंड आई थिंक यू विल ऑल्सो एंश्योर ना दयानी जी की प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह लेके चले, वरना भाई साहब RML यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी को यहाँ सांस की प्रॉब्लम, यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, इस गेट से निकल के पीछे वाले गेट में घुसना है, सारे इंतजाम है। RML दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल था, मतलब बेस्ट तो इन द सेंस कि जब सबसे पहला कोविड हॉस्पिटल यही बना था ना आई थिंक फर्स्ट, अब सबसे कम पेशेंट है तो बेड भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर कभी भी कोई भसड़ मची तो। बट विल बी स्टार्टिंग शोज वेरी सून एंड दैट इज वाई वी केम हियर टू मेक दिस व्लॉग टुडे एंड टू अंडरस्टैंड द वेन्यू। हम अंदर भी शोज करेंगे, देखते हैं। एक माइक पकड़ने का भी तरीका होता है, जब आप नई नई कॉमेडी स्टार्ट करते हैं माइक पता कैसे पकड़ते हो ऐसे, क्योंकि नर्वस इतने होते हैं ना, इसको जकड़ लूँ ऐसा मन करता है, फिर धीरे 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 यू बिकम कंफर्टेबल एंड देन स्टार्ट होल्डिंग। मैं अलग अलग कमेडियंस के माइक पकड़ने दिखाता हूँ को। कुमार वरुण को देखा होगा, कुमार वरुण कोई भी हो, कहीं भी शो हो, कहीं भी हो, तो यहाँ पे कुमार वरुण का ऐसे ही रहता है। और बताओ दोस्तों, हर्ष गुजराल मेरे को लगता है हिमेश रेशमिया बनना चाहता था। हर्ष गुजराल का माइक कैसे रहता है, घर को तो कैसे करता है ऐसे, ऐसे दोनों टांगे ऐसी, कौन दिख रहा बनिया मेरे साथ दिखाना जरा, उठो उठो, अरे शिक्षक तो मेरे से ही मिल रही है, राजा कुणाल कामरा, ये बुढ़े क्या, मैं बुड्ढों को बोलना चाहता है मोदी, मैं सबको बोलना चाहता है मोदी 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 एंड दैट्स माय सेट गाइस।